हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं एक नए क्लास के साथ आया हूँ। मेरा क्लास है बीए सेमेस्टर वन का और पेपर है आपका सीसी टू, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ झारखंड अप टू 1857 एडी। और हमारे आज के टॉपिक है कोल विद्रोह, जिसको कोल रिवोल्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का क्लास। तो 1831-32 में के दौर में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में एक विद्रोह घटित हुआ। इस विद्रोह में मुंडा और हो जनजातियों ने मिलकर योगदान दिया और इतिहास में यह कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधराय मानकी और बिंद्राय मानकी के द्वारा किया गया और इस विद्रोह का प्रारंभ सोनपुर परगना के कुचाई ग्राम और तमाड़ के कुमांग गांव से 11 दिसंबर 1831 से प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए विल्किंसन के नेतृत्व में फौज भेजी गई, लेकिन विद्रोह की व्यापकता के कारण विल्किंसन इस विद्रोह को दबाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। तब बनारस, बैरकपुर, दानापुर, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से छावनिया से सेना को बुलाया गया और 1832 ईस्वी में इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। तो इस विद्रोह के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसके कारणों का पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। तो इसका सबसे मेजर या सबसे पहला कारण क्या था, वो था ब्रिटिशों द्वारा जनजातियों के जीवन में हस्तक्षेप करना। ठीक है, ब्रिटिश जब भारत में आए, उन्होंने भारत के औपनिवेशिक घेरे के अंदर ले लिया। इसके पश्चात उन्होंने भारत के जंगलों पर भी ध्यान दिया और जंगल और उसके क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को भी पूरी तरह से अपने औपनिवेशिक दायरे में लेने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वन और वन संसाधन कानून को लागू करके वनों और वनों के संसाधनों के उपयोग को पूरी तरह से पाबंद कर दिया, पाबंदियां लगा दी गई और वनीय क्षेत्रों में रहने वाले भोले भाले आदिवासियों पर अनेक तरह के कर और अनेक तरह के नियम कानून लाद दिए गए। इन सब कारणों से आदिवासियों को काफी असहजता महसूस हुई। दरअसल आदिवासी जो थे वो प्राचीन समय से ही वनों पर निर्भर रहते आए थे और उन वनों में वह स्वच्छंद रूप से यानी स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे और वनों के उत्पादों का इस्तेमाल कर वे अपना जीवन या आजीविका संचालित करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के पश्चात पूरी तरह से अंग्रेजी सीमा में जकड़ लिए गए और उसके पश्चात उनको वनों के उत्पादों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी गई और उन पर तरह तरह के करों का बोझ लाद दिया गया, जिससे आदिवासियों को जीवन में ब्रिटिश हस्तक्षेप रास नहीं आया और वो लगातार ब्रिटिशों से इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए आतुर रहने लगे, जो कि आगे चलकर कोल विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारक है जमींदारों का शोषण। जमींदार वर्ग जो थे वे क्या करते थे कि ब्रिटिश कंपनियों से वनों का पट्टा हासिल करते थे। अब पट्टा क्या होता है? पट्टा का मतलब होता है लीज, जमीन को एक निश्चित राशि दे करके एक निश्चित समय के लिए हासिल करना, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीज के नाम से भी जानते हैं, उसे हम हिंदी में पट्टा कहते हैं। तो जमींदार वर्ग ने क्या किया कि अंग्रेजों से वनों का पट्टा हासिल किया और उस पट्टे वाली जमीन पर तरह तरह के कर लगा दिए और उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को कई करों के बोझ से दबा दिया गया, जिसके बाद जमींदारों ने उनका भरपूर शोषण किया, जिसकी वजह से आदिवासी जीवन असहज उठा और वे लोग जमींदारों और उनके जो हुक्मरान थे अंग्रेज, इन दोनों के विरुद्ध एकजुट होकर के आंदोलन करने के लिए उतावले होने लगे। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विषय पॉइंट है नई मुद्रा प्रणाली। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि प्राचीन समय में भारत में लेन देन की जो प्रणाली थी वह वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कोई सामान को किसी सामान से रिप्लेस करना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अनाज चाहिए और उसके पास गाय है तो वो गाय के बदले अनाज का लेन देन कर सकता था, यानी कि पशु और खाद्यान्न ये विनिमय के एक साधन हुआ करते थे, यानी किसी वस्तु को किसी वस्तु से वे हस्तांतरित कर लेते थे, जिसे हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। लेकिन
ब्रिटिशों के आगमन के बाद इस वस्तु विनिमय पद्धति को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर मुद्रा प्रणाली का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मुद्रा प्रणाली के प्रारंभ होने से अब कोई भी वस्तु को ऐसे वस्तु विनिमय के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। अब आदिवासी जो वनों और उसके ऊपर आश्रित संसाधनों पर आश्रित थे, उन चीजों को वे अब बाजारों में ले जाने लगे और वहां से उनके बदले में वह मुद्रा हासिल करते थे और उस मुद्रा के द्वारा वे कोई नई चीजों को खरीद पाते थे। इस प्रकार से जो प्राचीन परंपरा जो जनजातियों में विद्यमान थी वो अब उस परंपरा का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, अब उनको मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत आना पड़ा, जिससे उनका जीवन काफी असहज होने लगा। और इसके बाद एक और हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है ब्रिटिश अधिकारियों का दुर्व्यवहार। अब ये क्या है, इसके लिए ब्रिटिश अधिकारी तरह तरह के कर तो लगा ही रहे थे और अपने जमींदारों के मार्फत वे तरह तरह से जनजातियों का शोषण तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिशों ने अपने राजस्व में वृद्धि के लिए हड़िया, जिसे हम रानू भी कहते हैं, ये एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है और जो आदिवासियों के बीच सामान्य रूप से प्रचलित होता है। इसमें आप लोगों को पता होगा हम झारखंड के वासी हैं, तो झारखंड में आदिवासी लोग क्या कहते हैं उसके, साबूदाना या फिर चावल को सड़ाकर एक पेय बनाते हैं जिसे हड़िया कहा जाता है और ये लोग अपने उत्सवों पर इसका सेवन करते हैं। सामान्यतः भी इनका सेवन किया जाता है और ये आदिवासियों में काफी प्रचलित पेय पदार्थ है। तो ब्रिटिशों ने अपने राजस्व में वृद्धि के लिए हड़िया या रानू जो भी है उसके प्रयोग पर ये लगा दिया, कर लगा दिया था। अब हड़िया के सेवन करने के लिए अब आदिवासियों को पतचुई नामक कर देने पड़ते थे और इस कर के देने के नाम पर ब्रिटिश अधिकारियों ने कई निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी और ये निरीक्षक जो थे वे किसी भी आदिवासी के घरों में बिना किसी पूर्व सूचना के घुस जाते थे और निरीक्षण का हवाला दे करके वे घर की महिलाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार भी करते थे, जिसके कारण आदिवासियों का रोष दिन प्रतिदिन ब्रिटिशों के प्रति बढ़ता चला गया। इन सभी कारकों ने, जैसे ब्रिटिशों द्वारा जनजातीय जीवन में हस्तक्षेप, दूसरा जमींदारों का शोषण, तीसरा नई मुद्रा प्रणाली, चौथा ब्रिटिशों द्वारा दुर्व्यवहार, ये पहले से ही आंदोलन की एक ये बना रहे थे और इस आंदोलन को गति देने का काम एक तात्कालिक कारणों के द्वारा हुआ। तात्कालिक कारण के अंतर्गत कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसने आदिवासियों के सब्र के बांध को तोड़ दिया और वे एकजुट होकर विद्रोह करने के लिए आतुर हो गए। वो घटनाएं क्या थी जो इसका तात्कालिक कारण बनी, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तत्कालिक कारण के में पहला एक बिंदु यह है कि जो उस समय छोटा नागपुर के शासक थे उनके भाई हरनाथ शाही के द्वारा ब्रिटिशों ने क्या किया कि उनकी मुंडा और मानकियों की जमीनों को छीनकर उसे दीकुओं और सदानों के बीच वितरित कर दिया। दीकू और सदान का मतलब होता है जो झारखंड के जनजातीय नहीं थे, वो बाहर से आकर झारखंड में बसे थे। तो इस कार्य से मुंडा और मानकी जनजातियों में काफी उत्तेजना फैलने लगी। इसके साथ साथ क्या हुआ कि अंग्रेज निरीक्षक जो थे, अंग्रेज निरीक्षक जो पतचुई नामक करों की उगाही करते थे, उन्होंने क्या किया कि सिंदराय और बिंदराय मानकी की घर में जाकर निरीक्षण का हवाला देते हुए उनकी बहनों के साथ बलात्कार की घटना की, जिसकी वजह से भी आदिवासियों में उत्तेजना काफी उग्र होने लगी। साथ ही साथ एक और घटना इसी दौर में हुई कि बंदगांव के सुरगा मुंडा की पत्नी जो थी उनका अपहरण कर लिया ब्रिटिश अधिकारियों ने और उनके साथ भी बलात्कार की घटनाएं घटित हुई। तो इन सब घटनाओं ने आदिवासियों के सब्र के बांध को तोड़ दिया और आदिवासी एकजुट होकर के ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़े होने लगे और इसके विद्रोह के लिए बिगुल फूंक दिया। और इस विद्रोह का प्रारंभ हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि सोनपुर परगना के कुचाई गांव और तमाड़ के कुमांग गांव से 11 दिसंबर 1831 को प्रारंभ हो गया और इसके पश्चात ये इस आंदोलन की लहर लगभग संपूर्ण झारखंड प्रदेश में फैलने लगी। केवल हजारीबाग का जो क्षेत्र था वह इस आंदोलन के प्रभाव से मुक्त रहा।
तो इस आंदोलन की व्यापकता इतनी बढ़ने लगी कि विल्किंसन के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया गया जिसने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और इसके बाद आदिवासियों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाए। तब उन्होंने बैरकपुर, रामगढ़, बनारस और दानापुर से सैनिक छावनियों के सैनिकों को बुलाया और उनकी सहायता से अब आदिवासियों से सीधा सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। एक तरफ निहत्थे आदिवासी थे जो तीर भाला जैसे परंपरागत हथियारों से लैस थे और दूसरी तरफ सशस्त्र बंदूक के साथ वो सेना थी जिन्होंने निरीह आदिवासियों को सामना किया। इस गैर बराबरी के युद्ध में काफी हजारों की संख्या में वीर आदिवासी शहीद या वीर गति को प्राप्त हुए और कठोरतापूर्वक इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। अंततः 1832 के समय इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा लिया गया और विद्रोह को दबाने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कुछ शासकीय परिवर्तन किए जो कि इसके परिणाम के रूप में हमें दिखाई देते हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे इसके परिणाम में। तो इसके परिणाम में हम देखते हैं कि छोटा नागपुर, पलामू और राजमहल इन क्षेत्रों को मिलाकर एक पृथक नॉन रेगुलेशन जिला बनाने की घोषणा की गई और इन क्षेत्रों में बंगाल के सामान्य कानून को लागू न करने की सिफारिश की गई और इस क्षेत्र का नाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी और इस क्षेत्र को पृथक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया और विल्किंसन को इस क्षेत्र का प्रथम एजेंट के रूप में नियुक्ति की गई। इसके पश्चात ब्रिटिश अधिकारियों ने सख्त और कठोर अफसरों का तबादला कर दिया और उनके स्थान पर उदार अफसरों की नियुक्ति की जिससे लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाई जाए। आगे चल करके कंपनी ने मुंडा मान की पद्धति को वित्तीय और न्यायिक अधिकार भी सौंप दिए। इस प्रकार से हम पूरे विद्रोह को देखें तो हम देखते हैं कि कोल विद्रोह झारखंड के इतिहास के महत्वपूर्ण विद्रोहों में एक था जिन्होंने अपनी एकजुटता के दम पर और अपनी एकता के बल पर यह जता दिया कि ज्यादा दिनों तक शोषण करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है और इन आदिवासियों ने एकजुट होकर बिंद्राय और सिंद्राय के मानकी के नेतृत्व में एक संगठित विद्रोह चलाया। लेकिन चूंकि ये इतने शक्तिशाली नहीं थे और इनको आगे चल करके कुशल नेतृत्व नहीं प्राप्त हो पाया इस कारण यह विद्रोह बुरी तरह से कुचल दिया गया। आदिवासियों पर ब्रिटिशों ने पाशविकतापूर्ण अत्याचार किए, बर्बरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन चूंकि जनता से सहानुभूति दर्शाने का प्रयास किया गया और कुछ सुधार कार्यक्रम भी लागू किए जैसे पृथक नॉन रेगुलेशन जिला के रूप में साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया जिसमें राजमहल, पलामू और छोटा नागपुर के क्षेत्र को शामिल किया गया जिसमें बंगाल के सामान्य कानूनों को लागू नहीं किया गया और उसके साथ साथ सख्त अफसरों का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह उदार अफसरों की नियुक्ति की गई और मुंडा मान की पद्धति को वित्तीय और न्यायिक अधिकार भी सौंप दिए गए। इस प्रकार कुछ सहानुभूति दर्शाते हुए कोल विद्रोह को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन इस विद्रोह का तात्कालिक परिणाम जरूर सामने नहीं आया लेकिन हम जैसा कि देखते हैं आगे चल करके संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ और सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ इन विद्रोहों में इन जनजातियों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और आगे चल करके भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। इस प्रकार हम आज अपनी कक्षा को यहीं विराम देंगे और मैं अगले क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सवाल दे सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सबों से मैं अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद जी।